Very good morning, students. Welcome to Fun and Fun Home Learning. Today I am presenting math subject for standard 5th, chapter 4, parts and whole, part 5. Part 5 में बच्चों हम आज कीर्तिस के शॉपिंग लिस्ट में देखेंगे, है ना? Look at the yellow price list. पहले तो आप ये शांति से येल्लो प्राइस लिस्ट को ऑब्जर्व करो. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो आइटम्स दी हुई है एंड प्राइस रुपीस पर केजी दिया हुआ है. यहाँ पे कौन कौन से आइटम है वो हम देखेंगे. जैसे कि टोमेटो है, टोमेटो 12 रुपीस केजी है, पोटैटो 10 रुपीस केजी है, फिर ऑनियन 16 रुपीस केजी है, कैरेट 18 रुपीस केजी है, गार्ड है वो 8 रुपीस केजी है, है ना? तो ये उसकी प्राइस लिस्ट है. अभी कीर्ति क्या शॉपिंग करती है वो हम देखेंगे. हाउ मच डज, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डज 2 केजी ऑफ टोमेटो कॉस्ट? तो टोमेटो 1 केजी टोमेटो कितने रुपीस के हैं बच्चों? यस, फाइंड आउट, रुपीस 12 के, है ना? रुपीज 12 के. तो 2 केजी टमेटो, 2 केजी टमेटो की कॉस्ट कितनी? यस, तो 12 इंटू 2 दैट मीन्स रुपीज 24, है ना? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच डज हाफ के जी टोमेटोज कॉस्ट? हाफ के जी, 1 के जी टोमेटो का प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 12. अभी हाफ ऑफ दी 12, तो मैंने क्या बोला है, हाफ ऑफ दी 12 यानी मल्टीप्लीकेशन होता है. 2 1 2 2 6 12, तो रुपीज 6, है ना? हाफ के जी टोमेटो, हाफ के जी टोमेटो कितने रुपीज में आएंगे? तो 6 रुपीस में. अभी किरण वांट्स 2.5 केजी टोमेटो, हाउ मच विल इट कॉस्ट? अभी हमने 2 रुपीस की कॉस्ट निकाली, 2 केजी टोमेटो की कॉस्ट निकाली है, तो कितना है 24, एंड हाफ केजी का भी ऑलरेडी निकाला हुआ है वो कितना है 6. तो 2.5 मिल, यानी ऑल टुगेदर मिला के कितने रुपीज़ हुए? यस, 24 + 6 दैट मीन्स रुपीज़ 30 में 2.5 किलो यानी 2.5 केजीज टोमेटो मिले. ओके बच्चों, नेक्स्ट, हाउ मच डज 3.5 केजी पोटैटो कॉस्ट? अभी हमको 3.5 केजी पोटैटोज की प्राइस निकालनी है, हाउ मेनी रुपीस, है ना? अभी बच्चों यहाँ पे देखो, ये 3 है एंड हाफ है. आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले 3 केजी प्लस हाफ के जी की प्राइस निकाल सकते हो. अभी 3 केजी की प्राइस, यानी यहाँ पे पोटैटो कितने रुपए केजी है? 10 रुपीस, है ना? तो आप 3 × 10 दैट मीन्स रुपीस 30 केजी कर सकते हो, है ना? 3 × 10 दैट मीन्स ये 3 केजी के प्राइस हुई, और प्लस हाफ के जी के लिए क्या कर सकते हो, 1/2 × 10 दैट मीन्स 2 1 2 5 2 1 2 2 5 10 दैट मीन्स रुपीज 5. अगर ये दोनों के एडिशन करें तो हमको 3.5 के जी की पोटैटो की प्राइस मिलेगी. 3.5 के जी पोटैटोज की प्राइस कितनी हुई? 35. अभी बच्चों आगे देखते हैं. हमको क्या बोला है, 1 1/4 कैरेट, 1 1/4 कैरेट, कैरेट की प्राइस कितनी, हाउ मच इट विल बी कॉस्ट?
तो पहले तो 1 kg कैरेट की प्राइस क्या हुई, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ 1 kg प्लस 1/4 kg। ओके, तो 1 kg इज 1 × 18 rupees प्लस 1/4 of 18, है ना, 1/4 of 18। तो ये कितना हुआ बच्चों, 18 rupees, है ना। 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। अभी 2 हुआ है ना, अभी 2, 4 के टेबल में तो 2 आता नहीं है, इसलिए मैंने डेसिमल पॉइंट लिया और 2 का मैंने क्या किया 20, और 4 × 5 = 20, यानी 4 rupees 50 paise 1/4 कैरेट के हुए। अभी इन दोनों का एडिशन किया तो टोटल कॉस्ट कितना आता है, यस ₹50। ओके, दिस इज नॉट कंसीडर। ओके, यानी 22.50 paise में हमको कैरेट मिले। ओके, नेक्स्ट, ही बॉट अ गार्ड वेट ₹4 3/4 kg। ओके, तो उसकी कॉस्ट ये 4 3/4 kg उसने क्या लिया गार्ड, उसकी कॉस्ट कितनी, है ना, हाउ मेनी रुपीज शी पेड। तो गार्ड की कीमत कितनी है, तो यहाँ पे मैं फिर से ऐसे ही करूँगी, 4 kg प्लस 3/4 kg, है ना, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। फिर 4 × कितना हुआ गार्ड का पैसा, यस ₹8। 4 × 8 3/4 × 8, 4 × 8 यानी ₹32 प्लस 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, यानि ₹6 हुआ। 32 प्लस 6 यानि ₹38। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, लुक एट द शॉपिंग लिस्ट इन कीर्तिज हैंड एंड हाउ मच विल हैव टू पे टू बाय ऑल दीज। बच्चों आपको ये सम आपको खुद से करना है, मैं यहाँ पे हिंट दे दूंगी। पहले आपको क्या करना है, पोटैटो 2 and 1/4 kg है, तो पहले 2 kg का निकल देना है, फिर 1 kg 1/4 kg का है और ऐड करना है। कैरेट 3 kg and 3/4 kg है एंड गार्ड 1 and 1/2 kg है, है ना। तो ये सब की कॉस्टिंग आपको निकालनी है और ऐड करनी है। कैसे करना है यहाँ पे देख लो, ये हमने ऑलरेडी कॉस्टिंग कर दी है, यस, है ना। तो पोटैटो पर केजी कितना भाव है, 10 है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, यही हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है और ऐड करना है। फिर द लास्ट क्वेश्चन है, मेक अ बिल ऑफ योर ओन वेजिटेबल यू वांट टू बाय, फाइंड द टोटल मनी यू विल हैव टू पे। तो आपकी खुद की ऐसी एक लिस्ट बनानी है और उसकी कॉस्टिंग निकालनी है, दिस इज योर होम वर्क। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है, नो सॉरी आगे बाकी है, अभी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और प्रैक्टिस पार्ट है। इसमें रहीम्स जर्नी है ना, रहीम्स जर्नी क्या है वो हम देखेंगे। रहीम हैज ट्रैवल 1/4 kilometer to reach school, है ना।
जैसे कि यहाँ पे उसका होम है, होम से स्कूल तक जाने के लिए, होम से स्कूल तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ पे आने के लिए रहीम को कितना टाइम लगता है, कितना चलना पड़ता है, 1 किलोमीटर एंड 1/4 किलोमीटर इतना चलना पड़ता है ना, ही ट्रैवल। तो अभी क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट डिस्टेंस डज ही ट्रैवल टू गो टू स्कूल एंड कम बैक होम। अभी होम से स्कूल जाने के लिए उसको 1 किलोमीटर एंड 1/4 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो स्कूल से फिर से घर तक आने के लिए कितना चलना पड़ेगा, ऑब्वियसली 1 एंड 1/4 किलोमीटर। तो टोटल पूरे दिन में वो कितना चलता है, यस, तो 1/1/4 प्लस 1/1/4 है ना। तो इसमें क्या होगा बच्चों, 1/1/2 है ना, एंड 1/4 प्लस 1/4 दैट मीन्स 2 प्लस 2 4, 2 1 2 2 2 4, यानी 2.5 किलोमीटर उसको टोटल ट्रैवलिंग करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कॉइंस लता बॉट, व्हाट कॉइंस है ना, लता बॉट अ पेंसिल एंड पेन फॉर 7 रुपीज एंड हाफ 7 एंड हाफ रुपीज। अभी उसने क्या लिया है, पेंसिल, पेंसिल एंड क्या लिया है, पेन, और दोनों की मिला के कॉस्टिंग कितनी हुई, 7 रुपीज 50 पैसे। ओके, अभी शी गेव 10 रुपीज, उसने शी गेव रुपीज 10 टू शॉपकीपर है ना, द शॉपकीपर गेव बैक मनी इन हाफ एंड क्वार्टर रुपीज, इन हाफ एंड क्वार्टर रुपीज, तो व्हाट आर द कॉइन्स शी गॉट, तो उसको कितने कितने कॉइन्स मिले होंगे, शॉपकीपर ने जितने भी पैसे दिए वो हाफ एंड क्वार्टर में दिए हैं, हाफ एंड क्वार्टर पार्ट ऑफ द रुपीज में दिए। तो पहले तो हम बच्चों क्या करेंगे, यस, 10 रुपीज में से 7 एंड 50 पैसे निकाल देंगे है ना, 10 रुपीज है उसमें से 7 50 रुपीज माइनस करो, 0 10 carry 9 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए, 9 में से 7 गए तो 2, तो उसके पास टोटल कितने कॉइन्स आए, यस 2 रुपीज एंड 50 पैसे। अभी बच्चों यहाँ पे देखो रुपीज 2 है ना, अगर अगर शॉपकीपर ने हाफ 2 रुपीज के हाफ 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 कॉइन दिए, 2 रुपीज के क्वार्टर कॉइन दिए, 2 रुपीज के क्वार्टर यानी क्या होता है पता है बच्चों, देखो 2 रुपीज के क्वार्टर यानि 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा है ना, ये कितने हुए, 5 1 2 3 4 एंड ये वाला 5 कॉइन्स, यानि टोटल 50 पैसे के 5 कॉइन्स दिए होंगे। अदरवाइज अगर 4 50 पैसे के कॉइन्स दिए तो ये 50 का हाफ किया दैट मीन्स 25 पैसे, और 25 में भी ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है ना, और अगर उन्होंने 1 रुपीज के 1/4 पॉइंट दिए है ना, और दूसरे वन के हाफ पॉइंट दिए, और जो 50 पैसा है वो एज इट इज़ रखा है ना, ये 1 रुपीज़ एंड ये 1 रुपीज़ कितना हुआ,
टू में भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये 1/4 यानी 25 पैसे कितने हुए, 25 पैसे के 4 पॉइंट हुए और इसमें 50 पैसे के 2 पॉइंट हुए और ये वाला पॉइंट 50 पैसा, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। समझ में आया, ये कॉम्बिनेशन में 25 पैसे के 4 पॉइंट्स हैं और 50 पैसे के 3 पॉइंट्स हैं। तो ऐसी और कौन सी पॉसिबिलिटी होती है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो टू रुपीज़ 50 पैसे में कितने सारे कॉम्बिनेशन आएंगे क्वार्टर एंड हाफ पास के, है ना? समझ रहे हो बच्चों? ओके, नेक्स्ट हम जो अभी थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे एट रेलवे स्टेशन। अभी ये लेडी क्या ऑब्जर्व करती है, योर अटेंशन प्लीज, मैंगलोर एक्सप्रेस कमिंग फ्रॉम मैंगलोर टू गोइंग टू तिरुवनंतपुरम इज नाउ रनिंग लेट बाय हाफ एन आवर। यानी उसने क्या सुना, ट्रेन जो भी आने वाली है वो हाफ एन आवर लेट है, है ना? तो एक इंसान बोलता है ओ द ट्रेन इज लेट टुडे, आज ट्रेन लेट है, पर उसका राइट टाइम क्या है, द राइट टाइम इज 7:15। 7:15 दैट मीन्स अभी घड़ी में 7 नहीं बचे हैं, है ना? 7:15 यानी 7 बजने वाले, दैट मीन्स वो टाइम कितना हुआ, 6:45, है ना? 6:45 ये इसका राइट टाइम है, ट्रेन का राइट टाइम क्या है, 6:45। अभी आज वो लेट है, कितने मिनट, हाफ आवर लेट है, दैट मीन्स 30 मिनट, हाफ आवर यानी 30 मिनट्स लेट है। तो मैं क्या करूँगी, अभी वो कितने बजे आएंगे वो कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगी, 30 मिनट्स इसमें ऐड करूँगी। 5, 4+3 is 7 एंड 6 एज इट इज। बच्चों कभी भी 75 मिनट्स ऐसा टाइम होता नहीं है, इसलिए मैं 75 में से 60 मिनट्स माइनस करके ये 60 मिनट को आर में कन्वर्ट करके इसमें ऐड करूँगी। ये है आर एंड ये है मिनट्स, है ना? तो 75 माइनस 60 तो कितना हुआ बच्चों, 15 मिनट्स हुआ। और ये जो 60 मिनट्स हमने निकाले हैं उसको मैंने कन्वर्ट किया आर्स में, तो वो 1 आवर हो गया, दैट मीन्स 6+1 आवर इज 7, 7 आवर 15 मिनट्स यानी 7:15 में वो ट्रेन आएगी। नाजिया, अभी नेक्स्ट, नाजिया गेट्स ऑफ स्टेशन आफ्टर 2.5 आवर फ्रॉम दिस स्टेशन, व्हाट टाइम विल शी गेट्स ऑफ, है ना? तो नाजिया को अभी 2.5 घंटे के बाद आगे के स्टेशन में उतरना है ना? तो उसका टाइम कितना होगा, तो देखते हैं, उसका टाइम होगा 7:15 + 2 hours 30 minutes, दैट मीन्स 9:45, है ना? नाजिया विल रीच 9:45, दैट मीन्स 9:45। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, साजी विल टेक 5 hours टू रीच एर्नाकुलम बाय द ट्रेन एंड व्हाट टाइम विल ही रीच देयर। साजी अभी कितने बजे पहुँचेंगे, यस, तो क्या करेंगे बच्चों, यस 7:15 में 5 ऐड करेंगे यानी 12:15 यानी 12:15 इतने बजे उसकी ट्रेन पहुँचेंगे, है ना? बच्चों यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ great day. Bye.